दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस प्रोग्राम में हम साथ चल रहे हैं उसमें हम सभी टेंसेस को डे बाय डे कवर अप करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि 12 दिन के अंदर या 12 क्लासेस के अंदर आप कह सकते हैं कि हम 12 टेंसेस कवर अप करेंगे। प्रेजेंट के 4 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। आज हमारा टॉपिक है, यानी कि डे है 5 और हमारा टॉपिक होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर अप करेंगे। बड़े ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, यानी कि वाक्य जिसके अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग हो, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, हूँ, हो या था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को, यानी कि सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कभी भी नहीं का प्रयोग नहीं होता। इसका रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, आपका सेंटेंस एंड हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे आपको करना है। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, राम स्कूल गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले राम स्कूल गया, ये गया में मैंने बताया था अभी आपको, जैसे कि वाक्य के लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, चला, उठा, दौड़ा, भागा, नाचा, वैसे ही यहाँ पर देखा आपने गया लिखा हुआ है, सर्कल्ड है। इसी तरीके से आप सेंटेंस को जब फ्रेम करेंगे तो गया, यानी कि गया मतलब कोई आदमी जब कहीं जाता है तो जाने की इंग्लिश होती है गो, गो की सेकेंड फॉर्म आपको लगानी है जिसकी इंग्लिश होती है वेंट, राइट। तो यहाँ पर वेंट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राम को लिया, उसके बाद हमने वेंट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई, और जाना यानी कि गो वर्ब या गो की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जब भी यूज़ होती है, और हमें यह भी बताओ कि जाना कहाँ है, अगर डेस्टिनेशन सेंटेंस के अंदर दे रखा होता है तो हम बीच में टू लगाते हैं। अगर लिखा होता राम गया तो राम वेंट लिखते, टू नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे स्कूल दे रखा है तो इसलिए हम लिखेंगे राम वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने एक पत्र लिखा। अब उसने एक पत्र लिखा यानी कि कोई लड़का है या कोई लड़की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पर लिखा देख सकते हैं आप, इसीलिए हमने यहाँ पर राइट की सेकेंड फॉर्म रोट का प्रयोग किया है। थर्ड सेंटेंस देखें, मैंने उसे एक पेंसिल दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दी, तो मैंने दी, मैंने कहना आए, और गिव मतलब देना, गिव की सेकेंड फॉर्म हमने लगाया गेव, हिम किसे दी, उसे, आई गेव हिम अ पेंसिल, अगर लड़की होती तो हम यहाँ पर आई गेव हर लगा देते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आपने गेव का प्रयोग किया। आगे देखते हैं सेंटेंस हमारा, आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं या नॉट का प्रयोग होता है, होता है। रूल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है डिड नॉट, राइट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस लगानी है, क्योंकि ऑलरेडी डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड हमने यहाँ लगा दी है। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसका, राम स्कूल नहीं गया, तो इंग्लिश बनेगी राम डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर नहीं गया की वजह से यहाँ पर हमने यूज करा डिड नॉट गो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने पत्र नहीं लिखा, तो आप देख सकते हैं नहीं लिखा, तो हमने यहाँ क्या यूज करा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, तो नहीं दी, नहीं दी का मतलब हमने क्या करा, डिड नॉट गिव का यूज करा है, तो आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरोगेटिव, क्योंकि जब आप किसी से प्रश्न करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वहां आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल को ही फॉलो करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हम सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली हम लगाएंगे, अगर हमारे वाक्य में कोई भी व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच, हूज, हुम, हाउ मच, हाउ मैनी, अगर ऐसी डब्ल्यू एच फैमिली दे रखी हो तो हम सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगाएंगे। अदरवाइज अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो हम डिड लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। चलिए एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे क्या तुमने कहा। अब यहां पे लिखा हुआ है क्या, क्या का मतलब है कि ये एक थर्ड टाइप है, यानी कि आप ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन ये डब्ल्यू एच फैमिली का नहीं है, इसीलिए इंग्लिश बनेगी डिड यू से। तो यहां पर क्या कहा, तो क्या के लिए हमने यहां पर डिड को सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट पे रखा है, राइट। और उसके बाद कहा के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लगाई है, बीच में हमने अपना सब्जेक्ट लगा रखा है, तो डिड का यूज यहां पर किया जाता है, राइट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने पूछा कि क्या तुमने पढ़ा या क्या तुम पढ़े, तो आप बोलोगे डिड यू स्टडी,
राइट इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, क्या तुमने पानी पिया, तो डिड यू ड्रिंक वाटर, तो डिड को फ्रंट में रखेंगे और वाटर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ड्रिंक को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने क्या कहा, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है क्या कहा, यानी कि क्या वाक्य के अंदर है, इसीलिए व्हाट से सेंटेंस शुरू होगा, उसके बाद सेम डिड यू से बिल्कुल नीचे आ जाएगा एज इट इज व्हाट डिड यू से सेंटेंस आपका फ्रेम हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने कौन सा खेल खेला, कौन सा खेल खेला, तो हम बोलेंगे विच गेम, क्यों, क्योंकि हमने बोला है कौन सा खेल। दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो WH फैमिली के साथ जो सेंटेंस होता है उसके मेन सब्जेक्ट को अपने साथ लेके आते हैं। तो लिखा है विच गेम डिड शी प्ले, उसने कौन सा खेल खेला, विच गेम का यूज यहां पर होगा, उसके बाद आप डिड लगाएंगे। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों, तो आप यहां देख सकते हैं क्यों, आपने ऐसा क्यों सोचा, सॉरी, तो क्यों सोचा के लिए आप क्या लगाएंगे यहां पर, यहां पे लगाया आपने व्हाई डिड, उसके बाद यू थिंक सो, यहां पे थिंक सोचने के लिए लगाया हुआ है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर वाई के साथ डिड लगा हुआ है। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए, तो यहां पर सेंटेंस है कितने पैसे दिए, तो कितने की इंग्लिश क्या होती है हाउ मच, या हाउ मैनी का यूज करेंगे यहां पर, तो यहां पर लगाएंगे हम हाउ मच मनी, कितने पैसे, उसके बाद डिड मॉम गिव यू। राइट, इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको हाउ मच मनी वाला सेंटेंस भी आराम से समझ में आ गया होगा। इस तरह के सेंटेंसेस आप घर पे प्रैक्टिस भी करके बना सकते हैं। राइट, आपने उसके साथ क्या गलत किया, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या गलत, तो आप सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम। अब यहां पर क्या गलत किया के लिए हमने यहां पर व्हाट डिड का यूज किया है। राइट, ओके, नेक्स्ट, क्या उसने ताजमहल देखा, अब यहां पर देखिए क्या को वाक्य के फ्रंट में रखा हुआ है, तो फोकस है हमारा क्या और देखा पे, तो हम लगाएंगे डिड ही सी द ताज, डिड ही सी द ताज, इस तरह से हम यूज करेंगे डिड ही से, क्योंकि यहां पर WH फैमिली नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मुझे फोन कब किया, अब देखिए कब का यूज करेंगे तो हम यहां पे क्या लगाएंगे व्हेन, कब किया, तो व्हेन डिड यू कॉल मी, व्हेन डिड का प्रयोग यहां पर करेंगे क्योंकि यहां पे WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपने प्लीज मन की बात जरूर कहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एक बात याद रखना, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। अगली बाकी की क्लासेस जिसमें हम रेस्ट ऑफ दी टेंसेस कवर अप करने वाले हैं, उनको भी देखने के लिए, सही से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।